नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल IAS हिंदी में। 65th BPSC प्रीलिम्स के लिए हमारा प्रैक्टिस सेट जारी है। इसमें हम आज देखेंगे बिहार स्पेशल GK प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे सभी सेक्शन को मिला के। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है। ये बोल रहा है एल्टीट्यूड की बात। ठीक है, तो देखिए वो है 86 डिग्री। चलिए हम इस क्वेश्चन को, अच्छा इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। आप एक चीज़ देखिए, कॉमन सेंस कैसे लगाते हैं, एलिमिनेशन कैसे यूज़ करते हैं, उसको हम यहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं। अभी फ़िलहाल आप ई ऑप्शन को निगलेक्ट करके चलिए। ठीक है, अब आप देखिए, आपको पता है 82.5 डिग्री जो है वो इलाहाबाद यूपी से होकर गुजरता है। ठीक है, ये मान लीजिए 82.5 डिग्री है, और आपको ये पता है कि यूपी के बाद आपका बिहार आएगा। ठीक है, तो अब देखिए 82.5 के बाद तो 83-84 आएगा, तो अगर 82.5 नहीं यूपी मतलब बिहार में है, तो 82 भी नहीं होगा और 81 भी नहीं होगा, तो ये दो तो ऐसे ही इलिमिनेट हो गए। अब दूसरा हम देखते हैं 86 और 89 पे। चलिए 82.5 इलाहाबाद से गया, तो लगभग 83 आप समझ सकते हैं कि 83 के आसपास से बिहार से शुरू हुआ होगा, तो 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 मतलब सोच रहे हैं 89 मैक्सिमम यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। अगर 89 होगा तो इसका मतलब 86 भी होगा। तो अगर हमारे पास सिर्फ चार ऑप्शन है जिसमें से सिर्फ एक सही होगा, तो दैट मीन्स कि सिंपल सा डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि 89 इसका मतलब गलत है, क्योंकि अगर 89 सही होता तब तो 86 भी हो जाता, तो दोनों तो सही हो नहीं सकते, एक ही सही होता, इसका मतलब सीधे आप ऑप्शन चले जाते 86 पे। हालांकि अब अगर दो ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब ई ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि 86 तो देखो कंफर्म हो गया है। क्यों? क्योंकि 89 अगर हम मान के चलते हैं तो 86 तो कंफर्म ही है, और अगर 89 नहीं मानते हैं तो 86 फिर भी कंफर्म है। तो 89 अगर हम देखेंगे, चेक करेंगे, तो काफ़ी दूर हो जाता है ना, 83 से 84, 5, 6, 7, 8, 9 इतना बड़ा विस्तार बिहार का नहीं है, तो आप यहाँ से 89 को कैंसिल करके सीधे आप बी ऑप्शन पे आ सकते हैं। ई ऑप्शन में होता है कि थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता, बस अगर केवल चार ऑप्शन होते तब तो बहुत आसानी से आप 86 पे जा सकते हैं। चलिए एक बार हम सारा देख लेते हैं, सारा लेटिट्यूड अल्टीट्यूड क्या है, अक्षांश और देशांतर जो कि बिहार से गुजर रहे हैं, ये जानना जरूरी है। बिहार का पेपर आप देने जा रहे हैं तो याद भी होना चाहिए। पहले देख लेते हैं अक्षांश, देखिए 25 डिग्री, 26 डिग्री और 27 डिग्री ये तीनों जा रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ से आप देखिए 84, 85, 86, 87 और 88 भी है। ठीक है, तो ये आप इतना आप ध्यान रखिए कि 84 से लेके 88 तक, और इधर 25, 26, 27 ये तीनों आपके अक्षांश और देशांतर हैं। अब इसमें आप और इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि बक्सर से देखिए 84 डिग्री देशांतर जा रही है। ठीक है, ईस्ट 84 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो बक्सर से होके गुजर रहा है। फिर उसके बाद आप 85 डिग्री देखिए गया से होके गुजर रहा है। ठीक है, पटना के सबसे नज़दीक से कौन जा रहा है, 85 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ें आप अगर थोड़ा सा ध्यान रखे रहेंगे तो आपको पूरी अच्छी, इस टाइप का कोई टफ क्वेश्चन आएगा तो वो भी आप आसानी से बना सकते हैं। मधुबनी से देखिए 86 डिग्री है। ठीक है, और एक चीज़ देखिए, बिहार ये जो घटना चक्र आ रहा है ज्योग्राफी का, उसमें भी चैप्टर वाइज चीज़ें को डिस्कस किया गया है। एक अक्षांश देशांतर का पूरा एक चैप्टर है, फिर भारत के ये सभी जो भी स्टेट है उन पे पूरा है, फिर उसके बाद प्राकृतिक प्रदेशों में कैसे भारत को डिवाइड किया गया है, फिर पर्वत कैसे हैं, फिर दर्रे क्या हैं, नदियाँ क्या हैं, एक एक करके पूरा चैप्टर कवर हो रहा है आपका घटना चक्र में। तो आप केवल अगर 30 मिनट 25 मिनट सुन भी लेते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा, इसलिए सभी घटना चक्र जरूर सुनिए। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। ठीक है, तो देखिए ये है विदेशिया, विदेशिया जो है ये बिहार की नृत्य है, और एक और नृत्य आपने याद रखिए नाम कि उसका नाम है जैसे ये जाट जाटिन। ठीक है, जाट जाटिन जो और विदेशिया, ये दोनों आप नाम याद रखिए बिहार के लोक नृत्य के रूप में। ठीक है, चलिए हम ये देखिए जाट जाटिन ये सॉरी विदेशिया इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, लाठी वगैरह का यूज़ इसमें होता है। हम सभी क्लासिकल डांस भी एक बार देख लेते हैं फटाफट, और आपको देखिए वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, आप जिस भी ग्रुप में ज्वाइन हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हो या टेलीग्राम ग्रुप, ज़रूर शेयर किया कीजिए, हम लोगों को भी उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक और कमेंट को देख के। और स्कोर तो आपको कमेंट करना ही है, बहुत कम लोग स्कोर अपना कमेंट करते हैं, और जो शुरू से कर रहे हैं वही आज भी कर रहे हैं, वही फिक्स लोग हैं जो कि कमेंट करते हैं अपना स्कोर। देखिए इसमें आप शर्माइए नहीं, कमेंट किया कीजिए। चलिए हम देखते हैं, भरतनाट्यम है, कथक है, कथकली है, कुचिपुड़ी, मणिपुरी,
फिर उसके बाद मोहिनीअट्टम, ओडिसी एंड सत्रिया। अब आपको इन सभी का राज्य भी पता होना चाहिए, तो वो भी आप देख लीजिए। देखिए भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु में है, ठीक है। कथक जो है आपका ये आपका यूपी में है, उस वाले पूरे एरिया में, सेंट्रल इंडिया वाले एरिया में। फिर उसके बाद कथकली है, ये आपका केरल में है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम ये भी केरल का है, उड़ीसी उड़ीसा का, और सत्रिया आपका जो है असम का है, ठीक है। तो बिहार के एग्जाम में सत्रिया पूछने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, कथक पूछे जाने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, तो ये दोनों आप याद रखिए। बाकी आपको सब पता भी होना चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ है कथक, ये आपका क्लासिकल डांस, इंडियन क्लासिकल डांस, ये सब याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1930-1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम किया था। तो देखिए ये 1930-31 में मुंगेर जिले में बरही कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग, कांग्रेस जो थी वो हराई थी मुंगेर में ये अंग्रेजी हुकूमत के उसको। तो देखिए ये आपका 1930-31 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान का ये था, के समय की ये घटना है, तो आप ये याद रखिए कि कहाँ पे, मुंगेर के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना कि निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है, गंगा में मिलती है। तो गंडक, सोन, पुनपुन, घाघरा। तो देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं घाघरा को लेके कि घाघरा बिहार में मिलती है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है बिहार में कौन गंगा से मिलती है, ठीक है। तो घाघरा के लिए कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आप ये मान के चलिए इसमें सभी सही हैं, ठीक है। गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन, चारों इसके आंसर सही हैं। इसमें ऑप्शन में 1, 2, 4 लिखा है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था, तो इसलिए इसको ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहाँ आप 3 भी मान लीजिए, तो 1, 2, 3, 4 जिसमें आता है वो ऑप्शन आपका सी सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसमें चारों ही आंसर सही हैं, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं एक बार, आपको दिखा देते हैं मैप के माध्यम से सारा, नदियाँ और ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगी। देखिए ये रही घाघरा, ठीक है। घाघरा आप देख सकते हैं कि छपरा के नज़दीक में मिल रही है, तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए घाघरा जो है वो छपरा के पास में गंगा नदी से मिलती है। फिर उसके बाद आप देखिए ये रही ये आपकी घाघरा, फिर उसके बाद ये देखिए सोन नदी मिल रही है, सोन जो है आपको पटना में ही आके मिलती है। फिर उसके बाद आप देखिए ये रही गंडक नदी, गंडक नदी जो है ये आपको सोनपुर के आसपास आके मिलती है, ठीक है, सोनपुर। फिर उसके बाद पुनपुन, ये देखिए ये पुनपुन है जो कि फतुहा में आके मिलती है, ठीक है। तो ये चारों नदियाँ आपके गंगा की सहायक नदियाँ, और फल्गु जो है ये भी जाके पुनपुन में ही मिल जाती है, और फल्गु जो है वो गया से होके जाती है, ठीक है। तो ये आप सारी नदियों के बारे में जानिए, चारों नदियाँ जो हैं ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं, बिहार में मिलती हैं, और कहाँ कहाँ मिलती हैं ये सब याद रखिए। गंडक कहाँ, सोनपुर, सोन कहाँ है पटना में, घाघरा कहाँ छपरा, और पुनपुन फतुहा में, सारा चीज़ डेटा याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्किंग ऑन अ वार्मर प्लैनेट रिपोर्ट 2019 किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की गई है। देखिए वर्किंग के लिए बोल रहा है कि वार्मर प्लैनेट पे कुछ लोग हैं जो मतलब काम करने के लिए, इससे रिपोर्ट संबंधित रिपोर्ट है, ये कैसा कौन सा संगठन कर सकता है, वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ILO। तो इसका देखिए आप ये क्या था, इम्पैक्ट देखना था इसका, कि जो हीट स्ट्रेस है, वर्किंग कंडीशन है उसमें जो हीट, उस हीट वर्किंग कंडीशन में जो हीट स्ट्रेस है उसमें भी जो लोग वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कामगार, उनका क्या स्थिति है, सिचुएशन है, उस पर एक रिपोर्ट ILO ने जारी किया, और इसमें बताया कि भारत में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ना है, ठीक है, उनकी प्रोडक्टिविटी एंड डिसेंट वर्क पे लेबर्स के, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव इंडिया पे पड़ना है, ऐसा इस रिपोर्ट में भी कहा गया, तो ILO करता है, ठीक है। इसका ILO का 100 वर्ष हो गए हैं, और ILO का मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार का तराई प्रदेश कहाँ विस्तृत है, कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर है बिहार नेपाल सीमा के समानांतर, ठीक है। हम एक बार पूरा मैप देखते हैं, तराई क्षेत्र आपको पता होना चाहिए, तराई क्षेत्र है क्या। देखिए जो भी जैसे हिमालय से जब गंगा नीचे आ रही है, ठीक है, तो उसके मैदान जो बन रहे हैं उस मैदान को 3-4 भागों में डिवाइड किया जाता है, 4 भागों में। पहला जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं भाबर, ठीक है, भाबर, उसके बाद तराई है, फिर उसके बाद बांगर है, फिर खादर है। इन चारों की अपनी अपनी विशेषताएँ हैं, हम विशेषता भी देख लेते हैं कि जो भाबर है, ठीक है, भाबर में आपका बड़े बड़े गोलाश्म पत्थर, इस तरह के सारा जो चट्टान से
अपरदन करके यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है, तो और यहाँ पे नदी आके गायब हो जाती है और नीचे से बहने लगती है, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर बोल्डर्स होते हैं, तो और यहाँ पे यह कृषि के लायक नहीं होती है। ठीक शिवालिक के जस्ट नीचे मतलब गिरिपाद पे आपका ये होता है, ठीक है, फुट हिल्स पे। उसके बाद नदी जो है फिर से वापस सरफेस पे आती है और दलदली क्षेत्र बनता है जिसको बोलते हैं तराई। उसके बाद ये बांगर है, बांगर में क्या है जो मैदान बनता है, पुरानी जलोढ़ मृदाएं होती हैं बांगर में, और खादर में नवीन जलोढ़ मृदाएं। आप इस तरीके से देखिए रिवर वैली है, यहाँ पे जब भी बाढ़ आएगा तो इस जगह पे तुरंत मिट्टियां जो हैं वो निक्षेपित हो जाएंगी, तो ये नवीन जलोढ़ मृदा बनेगी और वो कहलाएगा खादर, और ये पुरानी मृदा है तो बांगर, और ये रहा तराई। तो आप ये समझ के ये समझिए कि जो हिमालय है, ठीक है, उसके फुट हिल्स पे तराई क्षेत्र मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड हो गया, पूरा यूपी हो गया, बिहार हो गया, ये सभी क्षेत्र जो हैं तराई क्षेत्र के रूप में विकसित होते हैं, और इसको एक तरीके से तराई आर्क भी कहा जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता हो गई। और एक चीज़ आप देखिए, बहुत लोग बोलते हैं सर 20 क्वेश्चन ही है, कम क्वेश्चन है, या फिर आप ये भी लोग बोलते हैं कि सर आंसर दे दिया कीजिए पीडीएफ में, वो सब देखिए आप, फिर ये डिस्कशन जो हम कर रहे हैं ना इसका मायने खत्म हो जाएगा। आप क्वेश्चन देखेंगे रट लेंगे, तो कोई फायदा उसका नहीं होगा। हम लोग इतना सारा डिस्कस जो करते हैं, इतने सारे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। आपको 30-40-50 क्वेश्चन एक ही वीडियो में दिख रहे हैं, तो आप इसको ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो निश्चित आपको फायदा मिलेगा। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको कितना बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम, हाँ सही बात है, हम अगर बहुत बड़ी भूल करेंगे अगर हम डिस्कशन नहीं देखेंगे और सिर्फ आंसर देख लेंगे। चलिए मजाक पे आगे बढ़ते हैं। हम बहुत भूल करेंगे कि यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमण के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। यह स्टेटमेंट किसने कहा था? देखिए यह स्टेटमेंट कहा गया है सरदार पटेल के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 1946 में कहा गया था, और तब कहा गया था जब मुस्लिम लीग जो है वो अपना उसके विरोध में ये बात उन्होंने कहा था। मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946 को आपको पता है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मना रहा था, तो उसी समय इस उनके विरोध में ये कहा था सरदार पटेल जी ने बिहार के लिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट याद रखिए, स्टेटमेंट टाइप वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत के निर्माण हुआ का नेतृत्व कौन किया था? देखिए निर्माण जो है फाइनली हुआ था 1912 में, ठीक है ध्यान रखिएगा, और 1911 में डिक्लेयर हुआ था, तो ये कौन थे जो उन्होंने इसको नेतृत्व प्रदान किया था? तो आप लोगों को पता होगा ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो अब देखिए उस समय प्रेसिडेंसी जो थी वो आपका बिहार उड़ीसा और बंगाल, तो बंगाल से बिहार और उड़ीसा, बिहार और साथ में उड़ीसा एक साथ अलग हुए 1912 में, और फिर उसके बाद बिहार और उड़ीसा भी यहाँ से अलग हो जाता है 1936 में। ये हुआ मार्च में, बिहार से अलग हुए लोग मार्च में, और फाइनल डिवीज़न हुआ अप्रैल में, तो मार्च अप्रैल और फिर उधर 1912 इधर 1936। तो ये सारा चीज़ आप डेटा याद रखिए, क्योंकि पिछले में भी क्वेश्चन पूछा गया है, 64 में भी, आगे भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1955 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? देखिए संथाल विद्रोह से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, आसान क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन उससे संबंधित नेता थे, तो आपको पता है सिद्धू और कानू, या फिर पूछ लिया जाता है कि कभी ये किस सन में हुआ, तो ये पता है आपको 1955-56 में, लेकिन एक अगर टफ क्वेश्चन बनाएगा तो वो बनाएगा कि किस अंग्रेज कमांडर को हराया, तो वो थे मेजर बारो। ठीक है, ये ध्यान रखिए मेजर बारो जो है इन्हीं को हराया था सिद्धू और कानू ने 1955-56 सत्थाल विद्रोह में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो देखिए ये है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, बौद्ध अध्ययन का केंद्र और पाली अनुसंधान संस्थान के लिए नव नालंदा बिहार जो है फेमस अब उसके लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यह आधुनिक बौद्ध शिक्षा का भी केंद्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में सांस्कृतिक स्थल के लिए किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? तो ये आप लोगों को पता होगा कि वर्ल्ड सिटी जयपुर को शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा अभी। ठीक है, ये देखिए यूनेस्को के द्वारा ऑफिशियल ट्वीट किया गया था कि जयपुर सिटी राजस्थान इंडिया वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैशटैग वर्ल्ड हेरिटेज। ठीक है, और ये इसको देखिए आप यूनेस्को का फुल फॉर्म देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये रहा यूनेस्को, और वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन किया जाता होता है उसके तहत डिक्लेरेशन ये किया जाता है।
अच्छा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? बहुत सारे लोगों का मतलब टूरिस्ट टूरिज्म के लिए बहुत ही फेमस है। किसी से पूछो विदेश में कहाँ जाना चाहोगे, लोग उस जगह का तुरंत नाम लेते हैं। तो आप लोग बताइए मुख्यालय कहाँ है वो इसका। और देखिए ये अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 43वीं, ठीक है, 43वीं मीटिंग थी। और ये कहाँ पे हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिए। सब लोग क्या ध्यान रख रहे हैं कि किसको मिला है, सब लोग जानते हैं जयपुर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि किस मीटिंग में मिला है। ये मिला है 43वीं मीटिंग में, और ये कहाँ हुआ था, बाकू में, ठीक है, अजरबैजान में। ये है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए, बाकू, ये अजरबैजान की राजधानी, ठीक है। और कौन सा सेशन था ये, 43rd, ये भी याद रखिए, क्योंकि स्टेट पीसीएस है, क्वेश्चन पूछ लेता है। ये देखिए आप जानते हैं, ये हवा महल है। चलिए नेक्स्ट। और अच्छा एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी है कि इससे पहले किस इंडियन सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया था। अब तक दो दे दिए जा चुके हैं, एक इससे पहले किसको दिया गया वो आपको बताना है, और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है ये आंसर आपको बताना है। और निश्चित आप लोग उसको जरूर कमेंट में बताइएगा, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ष उड़ीसा जो है बिहार से पृथक हुआ, ये तो अभी हम लोगों ने देख लिया, 1936 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रिलायंस जियो ने डिजिटल उड़ान अभियान के लिए किस सोशल नेटवर्किंग साइट से समझौता किया है। देखिए ये है डिजिटल उड़ान अभियान, इसके लिए फेसबुक से समझौता किया है रिलायंस जियो ने। और इसमें वो क्या करेंगे, डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए, डिजिटल लिटरेसी को 100% इंडिया में लाने के लिए फेसबुक के साथ ये उन्होंने किया है। एवरी सैटरडे एक सेशन होगा जिसमें समझाया जाएगा कि कैसे टेक्नोलॉजी का यूज, मतलब इंटरनेट का यूज़ करना है, कैसे नहीं करना है, जियो फोन वगैरह के बारे में, फेसबुक के बारे में, कि कैसे इनका उपयोग किया जाए। तो इस तरीके का डिजिटल उड़ान अभियान चलाया गया है जियो और फेसबुक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूज भी कर सकता है। देखिए जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कोई कारण नहीं हो सकता, जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना ये कारण, ये सोच सकते हैं लेकिन ये कारण नहीं है। अब देखिए परमानेंट सेटलमेंट क्या है वो आपको अगर पता होगा तो आप आंसर पहुंच सकते हैं। परमानेंट सेटलमेंट होता है जिसको बोलते हैं अस्थाई बंदोबस्त, जिसमें कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था आपका 1793 में, ठीक है, 1793 में ये फाइनल लागू कर दिया गया कॉर्नवालिस के द्वारा परमानेंट सेटलमेंट के रूप में, अस्थाई बंदोबस्त के रूप में। इसमें ये जमीन पे एक फिक्स कर दिया गया कि ये इतना राजस्व मुझे इस जमीन से, इतने जमीन से चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होता था, इन्हें फिक्स पता चल जाता था कि हमारा टोटल कलेक्शन कितना होना है, और उसके हिसाब से वो निवेश कर सकते थे, खर्च कर सकते थे, ये इसका बेनिफिट था। तो और इसमें जो जमीन का मालिक, फिर इसको किसको बना दिया गया, सभी जमींदार को बनाना पड़ा, जमींदार को मालिक बना दिए, किसान से उसका मालिकाना हक छीन के जमींदार बन गए, ये था परमानेंट सेटलमेंट। तो अब देखिए इसी का कारण क्या था, ये बी आंसर, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार को लागू करने के लिए परमानेंट सेटलमेंट बिहार में लागू किया गया, ठीक है, ताकि वो आज जो किसान का जो जो जमीन है उस पर हाल किसी हक हो गया किसका, जमींदार का, अब ये अपना जो परंपरागत रूप से किसी और को भी ट्रांसफर कर सके अपने परिवार में, ताकि वो अस्थाई बंदोबस्त जो नियम है ये चलता रहे, उसी को उसी के लिए ये था। तो बी ऑप्शन आप याद रखिए, जमींदारों में ये अधिकार देने के लिए ही किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुंवर सिंह जो है वो कहाँ के राजा थे, तो ये जगदीशपुर के थे, ठीक है, यहाँ के वो जमींदार थे। और इस क्वेश्चन को आप जानते हैं कि अभी 64वीं में काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुआ, केस भी हुआ था, और जज का आप लोगों को सबको पता है किस प्रकार से, मतलब अजीब तरीके का निर्णय उन्होंने दे दिया, सीधे केस को डिसमिस ही कर दिया, मतलब एकदम ही गलत, लोगों का अपना विश्वास ही उठ गया इस तरीके से न्याय प्रणाली से, कि मतलब बताइए जो चीज़ साक्षात सामने दिख रहा है गलत है फिर भी उसको आंख बंद कर लिया गया, मतलब उसकी तो अलग ही कहानी है, छोड़िए। तो उसमें आप याद रखिए कि कुंवर सिंह जो हैं वो क्या एक्सप्लेन किया गया वहाँ पे, आप जान वहाँ कोर्ट में ये एक्सप्लेन किया गया कि मेंटली कुंवर सिंह पटना में मिल गए थे विद्रोहियों से, और फिजिकली वो मिले थे आरा में, तो ये है एक्सप्लेनेशन था। तो अभी आप ये जानते हैं कि आरा में कुंवर सिंह मिले थे, और अभी फिलहाल आप ये भी मान के चलिए पटना आंसर हो सकता है, ठीक है, पटना मान के चलिए अभी, क्योंकि बीपीएससी ही ऐसा बोला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था, तो ये जेल कहाँ था, पटना में, पटना का कौन सा, बांकीपुर जेल, ठीक है, ध्यान रखिए बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, क्योंकि आपको पता है कि सभी जो भी मुख्य नेता लोग थे सभी को एक साथ जेल में बंद कर दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान,
उसी समय करो या मरो का नारा देके अगले ही सुबह सब लोग जेल पहुंच गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है पटना। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? 10वें गुरु, तो और यही अंतिम भी थे, ठीक है। तो ये इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था? पटना। आप लोग को पता ही है पटना साहिब जो गुरुद्वारा है वो इन्हीं के इसीलिए बनवाया गया है, और कौन बनवाया था? महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। ये सब फैक्ट आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? ये हुआ है 1929 में स्वामी सहजानंद के द्वारा, ठीक है। और हम देखिए, इसी दौरान हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिली इस बुक के बारे में, और जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है ये, और बहुत ही टफ क्वेश्चन बनेगा। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये पता चल जाएगा। देखिए, एक बुक अभी विमोचन हुआ था, उसका नाम था द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929 से 1942, अ स्टडी ऑफ एन इंडियन पीजेंट मूवमेंट। इसके राइटर हैं वॉल्टर हाउजर, ठीक है, वॉल्टर हाउजर। तो ये आप नाम भी याद रखिए, पूछा जा सकता है इस बुक के बारे में कि ये इसके राइटर कौन है, इसके लेखक कौन है, क्योंकि ये बिहार के इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, स्वामी सहजानंद बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व तो है, तो इनसे संबंधित अगर कोई बुक आई तो उनका राइटर आप जरूर याद रखिए। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, तो मुझे बस ऐसे सर्फिंग करते समय ये चीज़ मिल गया, तो हम सोचे कि आपको ये चीज़ बता दें, बहुत ज़रूरी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तमिलनाडु ने किस तितली को राज्य तितली घोषित किया है? तो देखिए, ऑप्शन देख के तो आप तुरंत आसानी से बता सकते हैं, तो इसका आंसर क्या है? तमिल, तमिल येओलम। अच्छा, बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं तमिल और तेलुगु में, तो आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश जो है वहाँ पे तेलुगु बोली जाती है, ठीक है, और तमिल तमिलनाडु, ठीक है। वैसे तमिल से तमिलनाडु भी आप कर सकते हैं, लेकिन तमिल तेलुगु सब साउथ समझ लेता है, तो वो सब मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए और स्टेट एनिमल्स वगैरह के बारे में हम देख लेते हैं। अच्छा, ये भी देखिए कि ये जो तितली है वो एंडेमिक है वेस्टर्न घाट के, वहाँ पे ही ये पाई जाती है। देखिए, स्टेट एनिमल तमिलनाडु का है नीलगिरी तहर, ठीक है, बर्ड है डोव, एंड ट्री है जो पाम ट्री है, और उसका स्टेट फ्लावर्स जो है वो है ग्लोरिसा, और अभी जैक फ्रूट हो गया स्टेट फ्रूट, और केरला का भी जैक फ्रूट देखिए अभी हाल ही में उसको भी किया गया था, कर्नाटक का शायद, कर्नाटक या केरला, वो आप कंफर्म कर लीजिएगा। फिलहाल हम बिहार के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं सारी चीज़ों को कि स्टेट बर्ड यहाँ क्या है? स्पैरो, गौरैया। स्टेट एनिमल क्या है? गौर, इसको बैल भी बोलते हैं, ऑक्स, ठीक है। स्टेट फ्लावर क्या है? ये है कचनार, ठीक है, कचनार। और दूसरा स्टेट ट्री पीपल, सबको पता है, लेकिन फ्लावर के लिए लोग बहुत कंफ्यूज हैं, और ये इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे भी काफ़ी कंफ्यूजिंग दिया हुआ है। लोग कई जगह दिए हैं गेंदा का फूल जो है ना, मैरीगोल्ड, वो भाई कई बार दिया गया है कि वो है, लेकिन नहीं, वो गलत है। हम स्टेट ये ऑफिशियल वेबसाइट से चेक किया गया तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और उसमें बताती है कि ये कचनार ही है, ठीक है, कचनार है जो कि स्टेट फ्लावर है बिहार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? एकल उपयोग मतलब हो गया सिंगल यूज प्लास्टिक, मतलब जिसको रिसाइकल आप नहीं कर सकते हैं, एक बार यूज़ किए उसके बाद फेंक देना पड़ेगा, तो वो बैन कर दिया है इंग्लैंड ने, ठीक है। तो ये हमारा आज का टोटल फाइनल लास्ट क्वेश्चन हुआ। आप लोग प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, आपके जितने भी ग्रुप हैं वहाँ पे एक बार ज़रूर बताया कीजिए, पीडीएफ ही शेयर कर दिया कीजिए, तो जिससे कि हम लोग को भी सपोर्ट मिले और अधिक से अधिक इससे लाभ उठा सके, ठीक है दोस्तों। चलिए, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, अच्छा, नेक्स्ट मिलते हैं वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।